अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग सबको। तो आज ना मैं जल्दी उठ गई थी 7 ही बजे एंड 8 बज रहे अभी, मैंने सारा काम कर लिया है। कल एक्चुअली ना क्या हुआ था, कपड़े मैंने धोए थे ना और सब लोग नहाए भी थे तो पानी ख़त्म हो गया था, तो इसके लिए मैंने जल्दी उठ के सब पानी जब आता है 8:30 बजे तब मैंने वो सब भर लिया, पानी वाले काम कर लिए। अभी है ना अंडे बॉयल हो रहे हैं और चिकन बॉयल हो रहा है और राइस तो मैंने कल ज़्यादा ही बना लिए थे तो अभी उनको टिफ़िन में डाल के देना है। मशीन में भी मैंने ना पानी भर लिया ताकि कुछ ख़त्म ना हो जाए क्योंकि आज ना अदीबा और अज्जू आ रहे हैं। सो फाइनली मेरे भाई और भाभी मीन्स अज्जू अदीबा आ चुके हैं घर में एंड अज्जू हाय बोल दो प्लीज़। ज़्यादा भाव मत खा एंड यू मिसेस। तो ये लोग आ गए हैं, शाम हो गई लोगों को आते आते 6:30 बज रहा है एंड अभी बस खाना डिनर की तैयारी, ये लोग भी बहुत थक गए आके। सो ये लोग अभी खा रहे हैं ड्रैगन चिकन, उन्होंने थोड़ा सा ऑर्डर कर दिया था शाम को कुछ चटपटा सा और ये प्रिंस ना सता रहा है लोगों को। सो अभी अदीबा ना कपड़े खड़ी कर रही है और मैं ना बर्तन धो के आई हूँ और प्रिंस देख रहा है यहाँ पे टीवी। अज्जू गया था नीचे, मॉप टूट गया था मेरा तो मॉप लाने गया था, शायद वो आ गया है। मिला कितना लिया? 300, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और देखो प्रिंस ने कैसे फेंका है सब। अदीबा इज स्वीपिंग द फ्लोर, चुप गई वो। एडी। और अभी हम लोग झाड़ू मार के बस सब क्लीन कर देंगे, फटाफट खाना जाएगा तो फिर हम लोग बाहर जा रहे हैं। और ये मैं क्रिस्पेलो खा रही हूँ, ये लोग ने लेके आए थे, तेल ले नहीं आए थे, ये बच्चे के लिए लाए थे, वो खाया ना एक मेरा है। तो अभी ना इन लोगों को मेरे हाथ का वो केक खाना था जो मैंने ना इसमें रोजे के टाइम पे बनाई थी, तो ये अदीबा ना गनाश प्रिपेयर, मतलब गनाश हो ही गया है, इसको भी बीटर से बीट कर लेंगे। उस दिन मैंने बीटर से बीट नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं था और वो तो फेल नहीं किए थे, तो अभी ना इसको बीटर से बीट कर लेंगे। और अभी मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ केक का जो ड्राई मिक्सचर है ना वो। एक कप वाला माप है तो इससे ही सब कुछ करना है, तो एक कप मैदा, एक कप दही और एक कप शुगर लगेगी काट के, मतलब ऐसा लेना है। तो अभी मैं इसको छान लेती हूँ, फिर ना मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप कोको पाउडर और इसको भी छान ले, चुटकी भर सॉल्ट डालना है। अभी 1 कप शुगर में जाएगा, 1 कप दही और इसको हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। और मिक्स हो जाने के बाद ना हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस और इसको हम लोग अच्छे से बीट कर लेंगे। अभी ये दही है ना एकदम फ्लफी हो गया है, देख रहे हो आप, मतलब जैसे शायद आपने स्टार्ट में नोटिस किया होगा कि ये है ना आधा, ये जो कटोरा है वो आधा था, अभी ऑलमोस्ट ऊपर तक भर गया दही फ्लफ्ड होके। तो अभी हम लोग ये मिक्सचर और है ना ड्राई मिक्सचर जो कि यहाँ पर है, ये ड्राई मिक्सचर को हम लोग मिक्स कर देंगे साथ में। ड्राई मिक्सचर में मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाला और उस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी मैं ऐड करने जा रही हूँ ये जो वेट मिक्सचर है ना वो अपने ड्राई मिक्सचर में। देख दही का आप देख सकते हो यहाँ पे ना छोटे छोटे से बबल्स बन गए, देख रहे हो आप इसमें, ये देखो छोटे छोटे से बबल्स है, तो यही चीज़ ना फुलाएगी केक को। पूरा डाल देना है और इसे ना हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करके लेना है, ज़्यादा मतलब फैटना नहीं है तो क्या है ना केक फिर हमारा फूलेगा नहीं, एकदम लाइट हैंड से एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। इतना थिक हुआ है, अभी मैं ऑयल डालूंगी ना इसमें तो ये थोड़ा और थिन हो जाएगा। देखो अभी मैंने ना इसमें 1/4 कप ऑफ ऑयल डालने वाली हूँ, ये मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप लोग कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और एक बार फिर से ना केक को हल्के हाथों से मिक्स करना वरना क्या ना एकदम हार्ड हो जाएगा केक आप लोगों का, बस इतना मिक्स करो कि ऑयल अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए उसमें। और नीचे ना बटर पेपर लिया है मैंने और उसको रख के अमूल बटर का पेपर लिया है और वो डाल दिया है, और मोल्ड भी मेरे पास अभी माइक्रोवेव सेफ मोल्ड नहीं है तो वो मैं लेके आऊँगी इंशाल्लाह, और बटर पेपर भी, तो अभी ये जुगाड़ लगा के ही हम लोग केक बना रहे हैं। थोड़ा टैप कर लूँगी ताकि जो एयर बबल्स है ना वो निकल जाए। अब मैंने इसको माइक्रोवेव में डाल दूँगी 4 मिनट के लिए, बट ये 3 मिनट में मेरा हो जाता है, अभी देखते क्योंकि क्वान्टिटी ज़्यादा है ना तो शायद टाइम लगे। मैंने इसको 3.5 मिनट पे सेट किया है, लेट्स सी कि कब तक हो जाएगा ये।
तो फिलहाल मैंने इसको बाहर निकाला है केक को, और अभी देखा नहीं है कि कैसा है, तो सॉफ्ट ही माशाल्लाह, मगर अंदर से पका के नहीं देखना आपने को। टूथपिक डाल के देखी तो ये देखो क्लीन निकली है। अभी मैं फिर से बताती हूँ एकदम मिडल में, क्योंकि मिडल से ही ना केक पकता नहीं है। तो देखो एकदम डन है माशाल्लाह। तो अभी ना मैं इसको ठंडा होने के लिए देती हूँ इसी मोल्ड में 5 मिनट, फिर उसके बाद में इसको डीमोल्ड करेंगे। अभी ना हम लोग इसका वेट कर रहे हैं कि कितना इसका वज़न है, सो लेट्स सी कि कितना बना है ये, मैं बताती हूँ आप लोगों को। हमारा केक तो ये देखो स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा, अभी हम लोग ये निकाल देंगे इसका कवर। कवर से क्या ना फटाक से निकल जाता है केक। ये देखो धुआं अभी भी निकल रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और ये देखो कितना हमारा केक ना एकदम स्पॉन्जी हुआ है। अब इसको और ठंडा होने देना पड़ेगा, पर इसका वेट देख लेते हैं कि कितना है। हाँ ऑलमोस्ट है, 500 ग्राम तक तो है। इसको ना मैं अभी कम्प्लीटली ठंडा होने दूंगी क्योंकि ये अभी भी गर्म है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना तब फिर हम लोग इसको कट करेंगे, क्योंकि अभी कट करेंगे ना तो ये पूरे इसके क्रम्स ना वो पूरे गिर जाएंगे। जब ठंडा होगा ना तो आराम से इसको कट कर सकते हैं हम लोग। शुगर सिरप है ना वो रेडी है, और गनाश भी रेडी है, बस इसको कट करके ना इस पर पोर करना है हम लोगों को। जो बची हुई पिसी हुई शुगर थी ना उसमें मैंने पानी डाल के थोड़ा हल्का सा शुगर सिरप बना दिया इसका। तो ना अज्जू अदीमा ने ना ये लेके आते हैं प्रिंस के लिए, बट वो पूरा घर गंदा करता है इससे, क्योंकि चीज़ का जो क्रम्स है ना वो गिर जाते हैं। तो वो उसको रिटर्न करके कुछ दूसरा लेने बोल रही हूँ मैं। चल तू लेके आ जा, जाके हम लोग नीचे उतर रहे हैं अभी। सोहेल और प्रिंस को हम लोग अंदर ही छोड़ के जा रहे हैं, इस लोग को लेके नहीं जा रहे क्योंकि बाइक से जा रहे और फिर वो भागेगा, सोहेल को नहीं आना, उसने डाइट खा लिया है। केक ना यहाँ पे ठंडा होने के लिए हम लोगों ने फ्रिज में डाल दिया है, और फिर आके ना इसको करेंगे क्योंकि अभी भी अंदर से ना गर्म था। तो हम लोग निकल रहे हैं, ये तो फेल का डिनर है डाइट वाला, वो कुछ नहीं खाने वाले। कम ऑन बेबी लेट्स गो, पोजिंग बंद करो, चलो। अज्जू अदीबा को स्ट्रीट पे से खाना है जहाँ से हम लोग खाते हैं हमेशा पिज्ज़ा एंड ऑल, एंड तो फिर बोले दोनों भाग गए क्या, तो वो लोग चेंज कराने गए। मैंने बोला बैठू, बिस्मिल्लाह, चलो क्या बोल रहे, नहीं यहाँ से तो नहीं लिए, रहने कहाँ से लिए, कहाँ गए यार ये लोग। अच्छा वहाँ से लिए क्या, बहुत महंगा आया यार मॉप, 300 रुपये का, अमेजोन पे 200 रुपये का। कहाँ गए, अच्छा यहाँ गए, कहाँ गए, क्या लेगा, 5-5 वाले दे दो ना, कितना है ना। लिटिल हार्ट्स, लिटिल हार्ट्स वो खा लेता है, और जेम्स खा लेता है, पर चॉकलेट्स इतनी रखी ना घर में कि मैं उसको मीठा नहीं देना है अभी। हाँ यहाँ पे है ना लिटिल हार्ट्स, यही है ना, चलो लेट्स गो ऑन एन एक्साइटिंग राइड। प्रिंस के बिना ना खाली खाली लगता है यार, अच्छा नहीं लगता उसके बिना जाने। हाँ सोहेल को डर लग रहा था, चल ठीक है नहीं थोड़ा घूम लेता ना, वो भी बच्चा कब से घर में है। तो बज रहा है 10:30 जो हम लोग निकले आराम आराम से अपना मुंबई का हिसाब जोड़ के। इन लोग को लग रहा है कि खुला रहेगा, बट यहाँ पे सब 11 बजे बंद हो जाता है, तो लेट्स सी अगर इन लोग की नसीब रही तो खुला रहेगा। और ये R15 अपना पावर दिखाते हुए, और हमारी खटारा बाइक पीछे रह गई। ओवरटेक करने मत जाना, जो लोग आगे थे तो बोले तेरे व्लॉग में देखा था तुम लोग ये फ्लाईओवर लिए थे, इन लोग कंफ्यूज थे कहाँ से जाना है। भाई यहाँ से राइट साइड से जो गाड़ियाँ आ रही है, जस्ट बी केयरफुल ओके। हाँ ये वेस्ट है, वेस्ट है, सो दिस इज आल्सो ईस्ट, यार इट्स वेस्ट। Yeah.
है ना, क्या तुम डरा रहे? लाइट्स बंद है आज बेबी, कम ऑन यार, डोंट पैनिक लाइक दिस। बंद हो गया तो तुम ढाबा लेके जाओगे, कहाँ जाना तुम? अपन जो पाव भाजी खाते हैं हमेशा, श्री गणेश की पाव भाजी में लाइट नहीं आज। सो फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे, आज लाइट नहीं है इधर, वरना बहुत रौनक रहती है। हेलो अंकल आंटी, नहीं आज पिज्जा है, मिलेगा अभी? हाँ तो वो हमेशा वाला कर देना, वेज वेज लोडेड चीज वाला ना। तो लाइट नहीं है, पिज्जा नहीं बन पाएगा, आएगी भी नहीं क्या अभी? आएगी नहीं क्या लाइट? भरोसा नहीं। अच्छा हम लोग उधर ही है। हाँ आवाज दे देना, अदीबा की नसीब खराब है, क्या हो गया? लाइट नहीं है, सो ये पिज्जा कांट बी बेक। तभी तो मैं बोलूं इतना अंधेरा क्यों है भाई। विच वन यू वांट, चीज पिज्जा, चीज पाव भाजी? अच्छा भाई दो चीज पाव भाजी। हाँ इतनी खुश इसलिए हूँ ना कि पॉजिटिव लोगों के साथ मेरा वाइब्स अच्छी आती है, नेगेटिव लोग आता ना मेरे को जमता नहीं है, मस्ती करने मजाक करने, समझ में आया? मारो मत समझे, इसलिए। ये चोर लोग मेरे बिना पानी पूरी खा रहे हैं कसम से। हमें वो खिला, क्या बोल रहे तो खाएंगे ना, तुम ही डाइट कर रहे हो, कर लो डाइट अच्छे से। ओ हो फ्लेक्सिंग, बेचारे कुछ नहीं खाने वाले हैं, वो कर रहे हैं डाइट तो घर का खाना खा रहे हैं। मेरे को भी डाइट करना चाहिए पर मेरे से ना होती नहीं है। कैसे हो जाऊंगी? तुमको चलेगा ना? चलेगा क्या, एक जगह पड़ेगा। और आगे भी हम लोगों ने बहुत कुछ खाया, बहुत मस्ती की, उसका व्लॉग आएगा कल, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर ये व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।